दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी SJVN की तरफ से आ रही है। गाइस, यहाँ पर ये आपका बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो यहाँ से जो वैकेंसी है आप लोगों की गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकाली जाती है। यहाँ आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा ग्रेजुएट हमारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी हमारे कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को कई सारे नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, तो मैं इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इसकी अप्लाई लिंक चाहते हैं तो अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम जो जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि टेलीग्राम पर आप लोगों को इसकी अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिल सके जो हमारे यूट्यूब से छूट जाती हैं। तो गाइज, यहाँ देख सकते हैं आप सभी को ये लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, पब्लिश की गई है 15 दिसंबर को और लास्ट डेट दिया गया है 8 जनवरी 2023। तो गाइज, ये आप लोगों का डेट दिया गया है। बाकी देखिए, अप्लाई स्टार्टिंग की डेट दी गई है 19/12/2022। ये फर्स्ट आप लोग को नोटिफिकेशन है, यहाँ से डाउनलोड करना होगा। मैं क्राइटेरिया इसलिए बता रही हूँ, एक एक करके यहाँ पर डाउनलोड करके भी बताऊँगी। उसके बाद इसी तरीके से सेकेंड, ये भी आप लोगों की वीक दी गई है 8 जनवरी को, यहाँ लास्ट डेट आपका रहेगा 14/12/2022 को ये पोस्ट आउट की गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये भी आप लोग को 8 जनवरी को ही पोस्ट आउट की, मतलब जो है लास्ट डेट रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ पर लास्ट नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और इसका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बाकी हम लोग इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। नोटिफिकेशन आप लोग का अप्रेंटिस रहने वाले हैं, अप्रेंटिस जो भी कैंडिडेट हमें हैं हमारे फ्रेशर वही अप्लाई करें, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है। और ये डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए निकाला गया है, जो हमारे हिमाचल के स्टूडेंट है, हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल स्टूडेंट है, उन्हीं के लिए अप्रेंटिस रहने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जो सबसे पहले आप लोगों की ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, जिसमें BE BTech आप लोग का होना चाहिए, किस किस ब्रांच में होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और यहाँ आर्किटेक्चर, इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ ही कंट्रोल एंड अप्लाइड जूलॉजी, और आप लोगों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अकाउंट, ये सभी आप लोगों का पोस्ट दिया गया है। जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं इन वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएट वालों के लिए, तो उसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप लोग का ग्रेजुएशन रखा गया है फुल टाइम, और ये आप लोगों को ग्रेजुएशन 2 साल का MBA वगैरह कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम क्राइटेरिया आपका, टोटल पोस्ट आप लोगों की 175 दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा वालों की, तो डिप्लोमा वालों की जो यहाँ पर पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ 100 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। डिप्लोमा होना चाहिए आप लोग का, जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ नेक्स्ट जो आप लोगों को ITI वालों की देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें हमारे इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है, या फिर आप लोगों ने स्टेनोग्राफर हो गया, ऑफिसर सिक्योरिटी हो गया, इसमें जो भी आप लोगों ने मतलब इनसे अप्रेंटमेंट आप लोगों ने ट्रेड से ITI किया है, या फिर फिटर वेल्डर से ITI किया है, मैकेनिक हो गया, मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मैकेनिकल, ये आपकी ट्रेड रखी गई हैं, एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या ITI या कंप्यूटर मेंटेनेंस में आप लोगों ने ITI किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 125 वैकेंसी दी गई हैं, तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। गाइस, आप लोग की फुल टाइम होनी चाहिए, ये ITI हो या डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, और ये आपका एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट रखा गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के लिए, एंड 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए, 10 साल का रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अलग अलग स्टाइपेंड रखा गया है, जैसे ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए ₹10,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, एंड डिप्लोमा वालों के लिए ₹8,000 दिया जाएगा, ITI वालों के लिए पर मंथ यहाँ पर ₹7,000 दिया जाएगा। 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा, और 1 साल के ड्यूरेशन के समय में स्टाइपेंड प्लस आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो गाइस जरूर अप्रेंटिस कर लें, क्योंकि अप्रेंटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिटेबल यहाँ पर रहने वाली है। ओनली हिमाचल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रहे। हिमाचल के दूसरे मतलब जो हमारे कैंडिडेट है जिन्होंने हिमाचल से क्वालिफिकेशन किए, डोमिसाइल स्टूडेंट है, वो यहाँ एलिजिबल रहेंगे। अगर आप लोग दूसरे स्टेट से हैं तो आप इस यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, स्पेशली दिया गया है।
एंड यहाँ देखेंगे जो आप लोगों का मार्क्स वगैरह दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको किस बेस पे निकाली जाएगी, जैसे देखिए 10th हो गया, 12th हो गया, ITI हो गया, या फिर डिप्लोमा या बैचलर डिग्री, जो भी आप लोगों ने क्वालिफिकेशन की है उनकी जो भी परसेंटेज है उसके क्राइटेरिया के आधार पर आप लोगों की यहाँ निकाली जाएगी मेरिट लिस्ट। अब देखेंगे यहाँ पर जो ग्रेजुएट है तो उसमें आप लोग का 20% 10th का मार्क्स जुड़ेगा, 20% 12th और डिप्लोमा का जुड़ेगा, तो ये आप लोगों का रहने वाला है। और इसी तरीके से टेक्नीशियन वालों के लिए, ITI वालों के लिए आप लोगों कितना कितना परसेंट मार्क्स किस चीज़ का जुड़ेगा, डिप्लोमा का 70% और 10% आप लोग मतलब 30% आपका यहाँ पर 10th क्लास का मार्क्स जुड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तो उसके आधार पर कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो यहाँ आपको देख लेना है, और यहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कीजिए सिंपली जाकर, और पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। बाकी देखिए यहाँ अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें दी गई है। फीस आप लोगों की यहाँ रखी जाएगी, फीस 100 रुपये रखी गई है। देखिए जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ओनली OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, और जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री का फॉर्म है तो वो सभी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग डेट आप लोगों का 19/12/2022 रखा गया है, क्लोजिंग डेट है 8 जनवरी 2023 यहाँ पर आपका रखा गया है, इससे पहले ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इसी तरीके से आप लोगों की कट ऑफ डेट वगैरह भी रखी जाएगी। तो गाइज अगर आप लोग इस यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है आप लोगों के माइंड में तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ से और भी आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये लास्ट वाला नोटिफिकेशन इसलिए डाउनलोड करके बताया क्योंकि इसमें आप लोगों को डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो या फिर आपको यहाँ ITI वाले हों तो सभी की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही थी। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हिमाचल वाले जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप लोग ये जो आपका दिया गया है व्यू जॉब डिटेल, इससे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस मैंने आप लोगों को अभी बताया एक एक वैकेंसी का, आप लोग तीनों ये सभी मतलब आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, तीनों नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देख लेना। इसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक देखिए यहाँ पर दी गई है। आप लोगों का ये जो लिंक है 19/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइमिंग पे, और उसके बाद जैसे ही आप लोग को अप्लाई करना होगा तो यहाँ से जाकर इस लिंक से जाकर अप्लाई करेंगे जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आप लोगों को पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ अपलोड करनी होंगी, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।